उसका एक सिनेरियो लिखा है आप कहें तो वो कर हाँ देंगे जी आप जी फिर आप जो जी बताइए। मैम 6 year old गर्ल प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद अ मदर विद कंप्लेन ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग हाँ मैडम ये ठीक है, सिनेरियो ओके मैडम आफ्टर ठीक है। अब इसको आप कैसे आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? जी मैडम बाय टेकिंग हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन हाँ हिस्ट्री फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस एंड ग्रीट द पेशेंट एंड देन आई विल आस्क अबाउट द आई विल कंफर्म अबाउट द एज एंड आस्क अबाउट अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स एंड इन देयर सीक्वेंस हाँ देन आई विल ऑल्सो इंक्वायर अबाउट द सेम प्रॉब्लम इन हर मदर एंड द सिस्टर हाँ फर्दर एलाबरेट हर प्रेजेंटिंग कंप्लेन बाय आस्किंग अबाउट द वजाइनल ब्लीडिंग इट्स ड्यूरेशन पैटर्न हाँ एंड नंबर ऑफ डेज ब्लीडिंग एंड इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड क्लॉट्स एनी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हाँ एंड फीलिंग ऑफ मैस इन द एब्डोमेन और समथिंग कमिंग आउट ऑफ ओके वजाइना हाँ एंड फर्दर आई विल इंक्वायर अबाउट द हेडेक ब्लरिंग ऑफ द विजन वेट गेन और हाँ हिस्ट्री ऑफ हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस हाँ देन आई विल ऑल्सो सेंसिटिवली आस्क फ्रॉम द मदर अबाउट द सेक्शुअल अब्यूज हिस्ट्री एंड हाँ मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग डायबिटीज हाइपरटेंशन एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्पेसिफिकली एंड द सर्जिकल हिस्ट्री विल आस्क अबाउट द जेनाइटल म्यूटिलेशन प्रोसीजर इफ डन एंड हाँ एनी हिस्ट्री ऑफ इरेडिएशन ट्रॉमा और फॉल हिस्ट्री एनी हिस्ट्री ऑफ एक्सोजीनियस स्टीरॉइड्स हाँ एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन एंड एंड सोशल सपोर्ट एट होम अच्छा ठीक है। हिस्ट्री तो ये है अब एग्जामिनेशन के लिए प्रोसीड ओके, अब हिस्ट्री को हम पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैडम ये जब आपने हिस्ट्री ली थी तो आपके जहन में डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो क्या था? जी मैडम देयर कुड बी द प्रीकॉक्शियस इज पेशेंट इज प्रेजेंटेड एट द एज ऑफ द 6 years विद अ वजाइनल ब्लीडिंग सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द एनी ट्यूमर गैनुलोसा सेल ट्यूमर ईस्ट्रोजन सीक्रेटिंग एंड मैक्यून अल्ब्राइट एंड एनी फॉरेन बॉडी एनी हिस्ट्री ऑफ फॉल और ट्रामा सेक्शुअल अब्यूज एनी जेनाइटल म्यूटिलेशन हिस्ट्री एनी एक्सोजीनियस स्टेरॉइड्स एक्सोजिनस स्टीरॉइड्स, आप बेसिकली क्या कंडीशन है जिसमें एक एक 6 years old बेबी को लेने की जरूरत पड़ सकती है? तो मतलब मैडम अगर कोई भी आपकी कोई बेबी, डिसऑर्डर हो हाँ मैडम जी, कंटिन्यू रखें डॉक्टर जैनब। अगर मतलब किसी डिजीज की वजह से वो ले रही है तो वो हम एक ड्रग हिस्ट्री में पूछ लें मसलन एनी इंडिकेशंस फॉर दैट, और इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपने हिस्ट्री में पूछनी होगी? मैडम मुझे तो ये समझ आ रही थी तभी मैंने ये सब लिखे हैं चलिए हम और अपने बाकी ऑडियंस से पूछ लेते हैं। जी, बाकी जो हमारे बाकी ऑडियंस जो सुन रहे हैं उनके जहन में कोई और चीज है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम जी वास्तव मैम इसमें ये पूछेंगे कि बेबी जब मतलब पैदा हुई थी तब उस टाइम उसको कोई ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हाइड्रोकेफेलस और उसकी जो माइलस्टोन्स थे वो कैसे थे डेवलपमेंट कैसी थी ठीक है इट्स ओके। और फैमिली हिस्ट्री मैम मैम फैमिली हिस्ट्री ऑफ फैमिली अर्ली हिस्ट्री का तो मेनार्के इन्होंने बताया है ना, फैमिली हिस्ट्री का तो ये मैडम बता, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इसके बने हैं या नहीं बने वो भी इन्होंने बता दिया था कि सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, मैम और कोई इसके स्किन भी कोई मसले तो नहीं है बोन स्किन के मसले स्किन और बोन के मसले अच्छा, मसलन वो आप कैसे पूछोगे, स्किन और बोन के मसले? मतलब क्योंकि डिस्कलरेशन डिस्कलरेशन मैडम बेसिकली, हाँ बेसिकली आपने जो बोन पेशेंट पे को है, थोड़े से लीडिंग मैडम क्वेश्चन पूछे। सॉरी मैडम जी जी मैडम ये वॉन विली ब्रेन डिजीज का भी पूछ सकते हैं किसका? हाँ, वॉन विली ब्लीडिंग ब्रेन डिजीज भी आ वॉन सकता है विलिब्रेंड डिजीज, जी बेसिकली मैडम वॉन विलिब्रेंड डिजीज जो है वो उसकी मैनिफेस्टेशंस इस तरह से नहीं आती।
ठीक है, मतलब इसमें अब जाहिर है इसमें सिर्फ विजाइनल ब्लीडिंग है ना, अगर सिर्फ खाली एक इट्स अ सोल कॉम्प्लेन तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन बीइंग वन कंपोनेंट ऑफ द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एट द स्टार्ट और ऑनसेट पे जो है, इस वजह से हम इसके बाकी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं टू लेबल इट एज अ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और जो बाकी इसके डिफरेंशियल्स हैं उसमें उसको फिट करने के लिए। ठीक है, ठीक है तो वॉन विलिब्रेंट अमूमन अगर कोई कहीं पे ब्रीच है एपिथेलियल मेम्ब्रेन की या कहीं पे भी वहां से ब्लीड होता है, या व्हेन द पेशेंट स्टार्ट्स मेनार्की एक्चुअल मेनार्की, तो वो उस तरह से उसको हो सकता है, लेकिन उसमें जो है ये इस तरह से फिट डायरेक्टली फिट नहीं होता, दैट इज अनदर सिनेरियो। मैडम, जी इसकी हाइट बताइए। देखेंगे, जी हाइट देखेंगे, हाइट और कोई ड्राइनेस वगैरह तो नहीं है पेशेंट को, लाइक एन स्क्लेरोसिस? बेटा ये एग्जामिनेशन वाली चीजें हैं, तो एग्जामिनेशन तो अभी उन्होंने हमें बताना है, अभी तो हम सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैम, और तो एडॉप्शन भी पूछ सकते हैं, मतलब ये बेबी एडॉप्टेड तो नहीं है? लेस लाइकली इन आर सोशल सेटअप्स एंड इन आर कम्युनिटी, लेस लाइकली। ठीक है, और क्या, और मैम ऑलमोस्ट हो गए। ऑलमोस्ट हो गए। उसमें कोई हाइपर एंड्रोजेनिज्म वाली चीजें भी पूछ सकते हो, ठीक है, कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया या इसमें जो बाकी सिंड्रोम से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज मे नॉट नेसेसरीली बी अ केस ऑफ प्रिकॉशियस प्योबर्टी एज द केस हैज बीन प्रेजेंटेड टू अस। ठीक है ना, इसमें इसमें एक बहुत ओपन एंडेड एक कंप्लेन है, यानी सिर्फ विजाइनल ब्लीडिंग की कंप्लेन है, जो कि जरूरी नहीं कि प्रिकॉशियस प्योबर्टी ही हो, इट मे बी जस्ट अ स्पोरैडिक साइन एंड सिम्टम जो कि किसी भी और वजह से हो सकता है, तो इस वजह से इसमें ड्रग इनटेक अमूमन स्टीरॉयड का तो ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में, खास तौर पे रीनल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें इनको दिया जाता है बच्चों को ये स्टीरॉयड्स वगैरह, बट समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट्स ऑयल्स क्रीम, ये सारी चीजें, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हमने जहां तक उसका जो उसकी सारी अगर हम इसको सोच रहे हैं एज अ केस ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, तो वेजाइनल ब्लीडिंग की अमाउंट कितनी, ड्यूरेशन क्या है, और इसके अलावा उसके कितने एपिसोड्स हो चुके हुए हैं, डज शी हैज जस्ट वन एपिसोड या रिकरेंट एपिसोड्स हैं, फिर उसमें जो वेजाइनल ब्लीडिंग के जो बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं, जो सेक्सुअल अब्यूज का इन्होंने पूछ लिया या कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा का पूछ लिया या कोई इन्फेक्शन है वो भी इन्होंने फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ पूछ लिया, ये फॉरेन सब। बॉडी, हाँ जी, फॉरेन बॉडी, क्योंकि अमूमन इस एज के बच्चे फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर लेते हैं, दैट इज नॉट वेरी अनकॉमन, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने उनसे बच्चे पेरेंट्स से बेसिकली पूछनी है। तो डॉक्टर जैनब, नाउ कमिंग टू द एग्जामिनेशन, जी हम मैम अपने एक क्वेश्चन है एग्जामिनेशन। जी, मैम, क्वेश्चन ये है कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म से रिलेटेड हम डिजीज कौन से माइंड में रखेंगे और क्वेश्चन क्या पूछेंगे? बेसिकली हाइपर एंड्रोजेनिज्म से रिलेटेड जो ज्यादा कॉमन सिनेरियो है वो कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया है, जो जरूरी नहीं कि एट बर्थ उसकी मैनिफेस्टेशन हो, ये लेट ऑनसेट भी हो सकता है, एट एनी एज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसका उसमें ज्यादातर जो है वो इसमें ब्लीडिंग तो हो सकती है, लेकिन इसमें अमूमन ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होंगी, बट देर विल बी द साइंस ऑफ, यानी उसमें जो एक्सियल और प्यूबिक हेयर ग्रोथ है वो हमने पेशेंट से जरूर पूछनी है, दैट विल इंडिकेट कि इसमें हाइपर एंड्रोजिनिज्म वाली चीज है, क्योंकि एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर की ग्रोथ डिपेंड करती है ऑन द एंड्रोजन लेवल्स, बाकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या यूट्रस के सारे वो सब चीजें ईस्ट्रोजन से रिलेटेड होती हैं, तो वो हमें बताएंगे कि इसमें ये इशू है या नहीं है। ठीक है, चलें जी अब एग्जामिनेशन पे आते हैं हम। जी डॉक्टर जैनब, मैडम ये पूछेंगे ना कि आवाज भारी हो गई हो या मर्दाना तरह के बाल आ गए हो? हाँ इस तरह की चीजें हम पूछ सकते हैं, एक्नी है या उसमें एक टिपिकल बॉडी ऑर्डर होता है ड्यू टू स्वेट ग्लैंड, वो सारा सेबेसियस ग्लैंड की, जो कि अगेन मैच्योर उस पे एंड्रोजन हाइपर एंड्रोजनिज्म पे डिपेंड करता है, और ये बाकी जो है वो एक्सिलरी प्यूबिक हेयर तो हम पूछ ही सकते हैं कि बालों की ग्रोथ नीचे या एक्जिला में हो रही है या नहीं हो रही है, तो पेशेंट उसके पेरेंट्स आंसर कर सकते हैं, तो ये वाले सवाल हमने पूछने। एक्ने जरूरी नहीं कि इस एज पे हो, लेकिन हो भी सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंड्रोजन लेवल्स। ठीक है,
ओके मैडम, चलें जी अब एग्जामिनेशन पे। जी डॉक्टर जैनब। यस मैडम, वी विल लुक फॉर द जनरल बिल्ड, आई विल हाँ कैलकुलेट द बीएमआई, चेक हर हाँ वाइटल्स एंड डू हाँ न्यूरोलॉजिकल एंड स्किन एग्जामिनेशन हाँ एंड एनी साइंस ऑफ पिलारनेस, थायराइड हाँ स्वेलिंग, लुक फॉर हाँ ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द टेनर क्लासिफिकेशन ठीक है। एंड ऑस्कल्टेट द चेस्ट एंड डू हाँ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू एक्सक्लूड एनी मैस हाँ एंड आई विल डू हर जेनाइटल एग्जामिनेशन एंड हाँ लुक फॉर एनी साइंस ऑफ वायरलाइजेशन ऑल्सो हाँ मैडम, ठीक है ये ठीक पॉइंट्स हैं. है। तो इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा सिनेरियो कि ये एक आइसोलेटेड सिम्टम है या ये वाकई प्रीकॉशियस प्यूबर्टी से रिलेटेड है, तो प्यूबर्टी के जितने साइंस हैं उन पे आपने फोकस करना है एंड एट द सेम टाइम फोकसिंग ऑन द अदर कॉजेज ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, क्योंकि अब बाकी जो अदर कॉजेस में चीजें आ जाती हैं वो डेफिनेटली सीएनएस से रिलेटेड हो सकती हैं या पेरिफेरल भी हो सकती हैं। तो जी जी उसमें मैम, कोई एब्डोमिनल ट्यूमर है या नहीं है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म के साइंस हैं या नहीं है, ये सारी चीजें हमने उससे उसकी देखनी है। तो ये तो हो गया हमारा एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और जो चीज है इसमें हाइट के साथ साथ जो है वो उसमें देखने की जरूरत है उसका अदरवाइज बॉडी बिल्ड भी, कि ओबेसिटी तो नहीं है उस बच्चे में जो एक मतलब उसमें जिसका बीएमआई वगैरह ज्यादा है। तो ये है जो हमने जिस पे फोकस करना होगा जस्ट टू नो द कॉज ऑफ इट। ठीक है चलिए, अब आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, एग्जामिनेशन भी मैडम, आपका आपका हो गया। देन आई विल डू हर इन्वेस्टिगेशन इन व्हिच आई विल डू हर जनरल हेल्थ प्रोफाइल, हाँ कंप्लीट ब्लड अच्छा, चेकअप. इसमें इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको कर लें, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा इसको आंसर कर लें कि क्या उस बच्चे में क्या चीजें हैं या क्या नहीं है, तो एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू रीच एट अ डायग्नोसिस। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ी जी सी जी चीजें आपको बता देती हूँ, अगर तो सिनेरियो या केस आपने देखा हुआ है तो आप हमें खुद भी बता सकती हैं। तो ये जी आपका जी अपना सिनेरियो है या केस एक्चुअल? मैडम, ऐसे ही बनाया था, कोई प्रेशर अच्छा नहीं ठीक है था चलिए ऐसा. ठीक है। अब इसमें जो है वो सिनेरियो हम इस तरह से करते हैं कि द बेबी इज ऑफ एवरेज हाइट एंड बिल्ट एज फॉर हर एज, क्योंकि अब इसमें जो ग्रोथ मैडम कर्व्स होते हैं बच्चों के भी उसमें एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वाली रेंज हमेशा होती है, तो आपको उसको ग्रोथ कर्व के हिसाब से देखना होगा कि अप्रोप्रिएट फॉर एज है या नहीं है। तो जी जी बॉडी वेट एंड हाइट इज अकॉर्डिंग एज पर हर एज। ओके सेकेंडरी मैडम, सेक्स करेक्टर्स में ब्रेस्ट जस्ट आप कह सकती हैं कि द ब्रेस्ट बड्स इज डेवलप, ठीक है जस्ट ब्रेस्ट बड इज विजिबल लेकिन और उससे ज्यादा वो आगे नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं टेनर स्टेज वन। जी मैडम, और इसमें कोई पर्टिकुलर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई डिस्चार्ज की वो हिस्ट्री नहीं देती। नाउ अप टिल नाउ द बेबी हैज ऑलमोस्ट 3-4 एपिसोड्स ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, वेरी माइल्ड इन नेचर, नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर सिम्टम या कुछ और उसमें ऐसा मसला नहीं है। और बाकी उसमें कोई स्किन या बोन प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई ट्रॉमा या फॉल की हिस्ट्री भी नहीं देती, और जी बाकी उसकी कोई सर्जिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सेक्सुअल अब्यूज की एज स्टेटेड बाय द पेरेंट्स वो भी नहीं है। और सीएनएस सिम्टम्स में द चाइल्ड लुक्स टू बी अ लिटिल बिट इरिटेबल बट अदरवाइज नथिंग नो नथिंग एबनॉर्मल हैज बीन डिटेक्टेड। तो अब तक की जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे है वो ये चीजें आप समझने के हैं। ठीक जी है मैडम, चले अब इसमें आगे चले, वर्कअप आपका क्या होगा? हाँ जी मैडम इसका मैडम वो इन्वेस्टिगेशन बताऊं या अगर इस पे कमेंट करें. बेटा, इसमें जो एवेल्युएशन होती है ना दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री विच यू हैव स्टेटेड, एग्जामिनेशन जो आपने कर लिया, जी जी अब उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो जी मैडम, इन्वेस्टिगेशन का ही आ जाता है। यस मैडम, मैडम आई विल इन्वेस्टिगेशन गो फॉर पहले आप पे डेफिनेटली जब आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो एज द मैटर इज ऑफ अ माइनर चाइल्ड, तो आप पेशेंट्स के जो है चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं उनको आप काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि स्टेप टू स्टेप इसमें काउंसलिंग करने की जरूरत होती है। तो वो आप काउंसलिंग करेंगे कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसमें हमें अब ये टेस्ट करवाने की जरूरत हो, क्योंकि हमेशा हम जब टेस्ट एडवाइस करते हैं तो पेशेंट से पहले बात करते हैं। ठीक है, तो जी उस मैडम, हिसाब से आप इस केस को लेके चले आगे। वी विल गो फॉर हाँ जी द हेल्थ प्रोफाइल इन व्हिच हेल्थ हाँ प्रोफाइल इन व्हिच हाँ कंप्लीट ब्लड पिक्चर काउंट,
टू सी द हेमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर, प्लेटलेट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड यूरिन डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू लुक फॉर कॉपी एंड फिजिकल अपीयरेंस एंड रैंडम ब्लड शुगर एंड वायरल मार्कर्स एच आई वी, एंटी HCV, एंटी HB सरफेस एंटीजन एंड देन मैडम पेल्विक अल्ट्रासाउंड pelvic ultrasound to look for the size and shape of the uterus, any uterine endometrial thickness and any ovarian morphology if present. And madam, then FSH, serum FSH, LH, if history suggestive of, and GnRH, no, a prolactin level and the testosterone, 17 hydroxyprogesterone if history suggestive of. हाँ जी, हिस्ट्री किस चीज की सजेस्टिव होगी तो आप 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन करवाएंगे। तब मैडम CAH अगर सस्पेक्ट करें तो हम 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन करें. हाँ मैडम, मैंने जो आपको बताया है जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे, क्योंकि अब हमने इसको फोकस कर लिया, नाउ इट्स नॉट नो मोर ओपन एंडेड, यानी इसको हमने फोकस कर दिया है कि इसमें ये चीजें हिस्ट्री पे पॉजिटिव थी, ये चीजें इसकी एग्जामिनेशन पे पॉजिटिव थी। तो अब इसने उसके मुताबिक आपने उसका वो लेके चलना है, क्योंकि जो ओपन एंडेड होता है ना उसमें आपको नहीं पता होता कि पेशेंट की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। आपने हिस्ट्री पॉइंट तो बता दिए बट यू आर जी नॉट टोल्ड अबाउट द एक्चुअल हिस्ट्री पॉइंट्स पॉजिटिव इन दैट पेशेंट, या आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग नहीं पता होती। सो यू हैव टू कैरी आउट ईच एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन ताकि उसको कॉज पता चले। बट जी वेन द मैडम, केस इज स्पेसिफाइड बाय नोइंग द सर्टन सिम्टम्स एंड द साइंस, जो आपको एग्जामिनेशन पे मैंने बता दिया, अब ये जी केस एक सिंगल केस हो गया। अब आपने इस सिंगल केस के हिसाब से अपनी इन्वेस्टिगेशन डिजाइन करनी। तो डू यू थिंक देयर इज रियली अ नीड टू गो फॉर नहीं टेस्टोस्टेरोन एंड मैडम, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल टू बी डन इन दिस चाइल्ड? नहीं नहीं मैडम, अगर ये कंसाइज हो गया तो उनकी नीड नहीं है. तो इसमें अपेरेंटली देर इज नो प्रॉब्लम इन सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, मतलब उसमें जो है वो कोई अबनॉर्मल चीज ऐसी नहीं है, वरना क्राइटोरोमेगैली होती है, कोई हिस्ट्री ऑफ इनटेक ऑफ ड्रग्स नहीं है, कुछ ऐसा उसमें मसला नहीं है। और ये बाकी मैंने बताया था कि टेनर स्टेज वन है, ब्रेस्ट बट्स आर डेवेलप, दीज आर विजिबल, प्रोमिनेंटली विजिबल, और उसमें जो है वो बाकी और कोई ऐसी चीज पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अपेरेंटली कोई रैश नहीं है, कोई और स्किन मैनिफेस्टेशंस नहीं है ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटेलिया, दो द जेनिटेलिया आर नॉट डेवेलप्ड अकॉर्डिंग टू द ऑफ एडल्ट शेप, और इसमें कोई प्यूबिक या एक्सिलरी हेयर्स भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्पेयर्स हेयर, बहुत कम, दो चार आप कह सकते हैं, ऑन द लेबिया मेजोरा, बट अदरवाइज देर इज नो एबनॉर्मैलिटी डिटेक्टेड। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब हम इन्वेस्टिगेशन डिसाइड कर रहे हैं। यस मैडम, एंड एनी पॉजिटिव फाइंडिंग ऑन द अल्ट्रासाउंड? एंड ऑन अल्ट्रासाउंड यूट्रस इज ऑफ इन्फेंटाइल साइज, स्मॉल साइज है, यानी आप कह सकते हैं कि 5 x 3 cm इन साइज। एंडोमेट्रियल थिकनेस इज जस्ट 3 mm एंड देयर इज अ स्मॉल ओवेरियन सिस्ट ऑफ 2 x 3 cm इन साइज, के इसकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। जी डॉक्टर जैनब, जी मैडम, हाँ जी, तो अब मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स भी दे दी, और बाकी आपने FSH LH प्रोलैक्टिन शायद करवाए हुए थे, ठीक ऐसे ही है जी ना? जी मैडम, जी जी मैडम, वो कर लिया था. प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इसका समझने 15 है, और FSH लेवल जो है वो इसके हैं तकरीबन 0.5, समझ लें ओके पॉइंट फाइव मैडम, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके मैडम. इस्ट्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर? तो ये कैसे पता चलेगा कि ये एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स है?
मतलब मैडम इसकी जो है वो 2 इंच 3 सेंटीमीटर की सिस्ट है, और हाँ पेशेंट जो है वो मतलब वेजाइना ब्लीडिंग के साथ जो के वो प्रेजेंट हुई है। ओके, गोइंग बैक टू द सिनेरियो अगेन, आपके ख्याल में जी इसमें वजह क्या हो सकती है? मतलब हमने अभी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आपको क्या वजह लगी? मैडम, मुझे इस्ट्रोजन सीक्रेटिंग ट्यूमर लग रहा है। अच्छा, अगर ये एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर होता तो हमें कैसे पता चलता कि ये एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर है? प्रीकॉशियस वो तो प्यूबर्टी मैडम की क्या क्या वजह होती हैं? इसको हम शुरू मतलब से किस सेंट्रल टाइम भी से होते देखें? हैं, सेंट्रल भी हाँ, होते हैं, प्रीकॉक सेंट्रल भी होते हैं और पेरिफेरल भी होते हैं। मैडम इन दोनों में फर्क क्या होता है? सेंट्रल मतलब कोई भी कॉज जो है वो ब्रेन में हो, मतलब वो हाँ सेंट्रल है, और पेरिफेरली मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरियन एक्सेस से अलावा जो पेरिफेरली कोई काज है जिसकी वजह से जो है वो प्रीकॉक्सियस हाँ फीवर की हो वही रही है, वो पेरिफेरल। डिफरेंशिएटेड, ठीक है, ये तो है जो थ्योरी के हिसाब से, लेकिन जी हाउ वी डिफरेंशिएट इट ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड देन फाइनली ऑन इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि मतलब दोनों की मैडम ट्रीटमेंट वो फर्क है, तो हम इसमें हमें डिफरेंशिएट करना तो बहुत जरूरी है। जी जी मैडम मैडम वो हाँ, हम जो है ना वो सीरम एफएसएच है और एलएच से डिसाइड करते हैं कि ये सेंट्रल है या पेरिफेरल मैंने है। आपको एलएच लेवल्स बता दिए हैं, ठीक है? एल एच लेवल मैंने बता दिए हैं कि 0.5 से 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर मैडम लीटर, तो मैडम वो एफएसएच था, एफएसएच थे ना। ओके ओके मैडम नहीं सॉरी, एफएसएच नहीं, एल एच लेवल है। अगर मैंने एफएस कहा तो वो गलत है, लेवल जी जी मैडम वो इज 0.5। आपने वो बताया हाँ जी ठीक मैडम है, एफएस सॉरी एल एच लेवल इज 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो मैडम ये तो मतलब वो हो गया पेरिफेरल प्रीकॉक्सियस फीवरिटी हो गया। कैसे? ये लेवल जो है वो कम है ना मैडम, डिक्रीज हाँ है, तो हाँ अगर हमारी एफएसएच और एलएच है वो कम होगी तो हमारा जो काज है वो पेरिफेरल प्रीकॉक्सियस फीवरिटी की तरफ जाएगा। क्यों? अच्छा चलो, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एलएच को छोड़ के बाकी और क्या? अभी एलएच को हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके जी अलावा और क्या चीजें हैं जो आपके ख्याल में पेरिफेरल के उसमें आती हैं? क्या हम इसको किसी और टेस्ट के करवाने से सॉर्ट आउट कर सकते हैं? कोई और ऐसा जी टेस्ट हम मैडम, करवा सकते हैं? जी 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 मैडम, मैडम कौन सा? जीएनआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट, नहीं, इसके अलावा जीएनआरएच इसके एनालॉग। साथ ये तो फिर इंटरवेंशन हो जाएगी ना, लेकिन इसके अलावा और कौन सा टेस्ट है जो हमें करवाना चाहिए जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पेरिफेरल है या सेंट्रल है? अगर ये इनके मुताबिक एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर हो तो उसमें क्या चीज बन मैडम रही है? मैडम सीरम ईस्ट्राडायोल सीरम लेवल। ईस्ट्रैडियोल लेवल हम करवाएंगे जरूर, क्योंकि अगर जी पेरिफेरल पेरिफेरल कॉज है तो उसमें सीरम ईस्ट्रोजन अगर किसी भी वजह से ज्यादा बन रहा है, या हम उसको दे रहे हैं आर्टिफिशियली, या किसी भी वजह से इवन एंड्रोजेनिक पाथवे से भी बन रहा होता है, एक्स्ट्रा ओवेरियन साइट से भी बन रहा होता है, तो अगर जी ईस्ट्रोजन ज्यादा बन रहा है तो उसके लेवल ज्यादा होने चाहिए। वो सप्रेस कर सकता है एफएसएच एलएच को, दोनों को। ज्यादा इस वक्त मैडम वो डिटर्मिनेटिंग जो है वो एलएच ही है। जब फॉलिकल बनना शुरू होते हैं तो वहां पे एफएसएच फिर बाद में डेवलप होता है और उसका रोल आ जाता है। इनिशियली इट इज एलएच जिसे हम डिटरमिन करते हैं गोनेडोट्रोफिन्स की एक्टिविटी को या उसके एक्चुअल लेवल्स को। तो ईस्ट्रैडियोल लेवल आप जरूर इसमें करवाएंगे, बिकॉज इफ इट इज एन ओवेरियन ईस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर तो उसमें ईस्ट्रोजन जी लेवल मैडम बहुत ज्यादा होने चाहिए, और एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होंगे तो वो उसके वेजाइनल ब्लीडिंग को भी एक्सप्लेन करेगा, उसके ब्रेस्ट बड को भी एक्सप्लेन करेगा, उसके लो एफएसएच को भी एक्सप्लेन करेगा। तो इसमें जी ई टू लेवल करवाना पहली चीज है। अब सपोज इसके ई टू लेवल जो हैं वो इन्फेंटाइल रेंज में आ गए हैं, वो हमने करवाया और वो इन्फेंटाइल रेंज में आ गए हैं, यानी वो भरे हुए नहीं है, तो अब आप इसके बाद अगला टेस्ट क्या करवाओगे? ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ना कि हमने पेरिफ्रल को इस तरह से करना है, यानी पेरिफ्रल जो भी होगा वो अदर देन हाइपोथैलेमिक कॉजेज होगा, और हाइपोथैलेमिक कॉजेज के अलावा जो बाकी कॉजेज हैं जो पेरिफ्रल लेवल्स पे होती हैं, जो इवन एंडोक्राइन लेवल्स पे होती हैं,
तो वहां पे जो है वो उसकी उसकी वजह हमें ढूंढनी पड़ती है, या एक्सोजिनस है तो वो भी हमें वजह ढूंढनी पड़ती है कि क्या है, बिकॉज इन द फर्स्ट हैंड यू हैव टू रिमूव दैट कॉज, तब ही आप जी उसमें मैडम, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को ट्रीट कर सकोगे। तो इसलिए इसकी डिफ्रेंसिएशन बड़ी जरूरी होती है। तो सपोज E2 लेवल्स आर नॉट रेज्ड, तो ओके आप मैम, इसमें अगला टेस्ट क्या करवाओगे? मतलब उसमें तो मतलब वो कॉर्टिसोल सेपरेशन जो कुशिंग सिंड्रोम और वो भी माइंड में आ रही, तो उनको भी हम एक्सक्लूड हाँ, करेंगे, वो या CH। तो पेरिफेरल कॉजेस में बन जाते हैं ना वजह, तो जी जी मैडम, पेरिफेरल कॉजेस में वजह बन जाते हैं। ठीक है, द तो मतलब बेबी इज अगर मेरे को ये स्लाइटली नहीं हुआ ओबीज तो एज हम, वेल, द बेबी इज स्लाइटली ओबीज एज वेल, लेकिन अब इसमें हमने डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, क्योंकि इसमें टू नो द हिस्ट्री एंड टू सी द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स एग्जामिनेशन करना, फिर एक खास जो इन्वेस्टिगेशन है वो करना जरूरी है एक नतीजे पे पहुंचने के लिए, और उस नतीजे पे पहुंचना इसलिए जरूरी है कि हमारी ट्रीटमेंट उस पे बेस करती है। जी मैडम, ठीक है, तो इसलिए अब जो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है वो है GNR है, जो स्टिमुलेशन टेस्ट जो आप पहले करवा रहे थे, जी जी मैडम, ये देखने के लिए कि अगर हम GnRH स्टिमुलेशन उसमें करते हैं तो ये LH बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। अगर LH उसके नतीजे में बढ़ गया तो फिर आप समझ लें कि ये हाइपोथैलेमिक कॉज हो सकती है, बिकॉज समहाउ ड्यू टू सम सेंट्रल कॉज या कोई भी जो हाइपोथैलेमिक कॉज है उसकी वजह से जो है ये GnRH स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाती है ऑफ पिट्यूटरी एंड देन फाइनली ऑफ द एंड ऑर्गन्स। तो इसमें ये कंसिस्टेंट बार दफा नहीं होती, इट इज जस्ट एपिसोडिक, यही वजह है कि उसमें उस तरह से, क्योंकि जो एक नॉर्मल जो साइकिल होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का साइकिल, जिसमें एक खास पैटर्न पे GnRH स्टिमुलेशन चल रही होती है और उसमें एक साइक्लिकल तरीके से गोनेडोट्रोपिन पिट्यूटरी से रिलीज हो रही होती है, और वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ओवेरियन स्टिमुलेशन और एंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें एक साइक्लिकल ब्लीडिंग वाला पैटर्न चल रहा होता है। उसमें से अगर एक भी पॉइंट पे ये प्रॉब्लम आ जाता है, सपोज GnRH एनालॉग्स, GnRH जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, किसी वक्त ज्यादा हो गए किसी वक्त ना हुए, तो इट विल रिजल्ट इन इररेगुलर ब्लीडिंग, बट इट विल नॉट लीड टू एनी डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, या इसमें इसकी वजह से कोई कॉन्टिन्यूस या साइक्लिकल ब्लीडिंग नहीं होगी, बिकॉज फॉर दैट पर्पज इट हैज टू बी इन पल्सेटाइल मैनर एंड इन अ रेगुलर वे, यानी उसका एक पैटर्न होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो कभी कभार की जो GnRH का रिलीज होना होता है, दैट मे बी सम ड्यू टू सम एक्साइटेशन और इरिटेशन ऑफ द हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रॉफ्स, यानी जो वो हाइपोथैलेमिक सेल्स जो कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बना रहे होते हैं, वो जो है वो एक्साइटेटेड होते हैं, या फिर उसमें उसके एक्टोपिक फोकाई भी होते हैं जो कि इररेगुलर पल्सेस निकाल रहे होते हैं। दिस कैन बी एज अ रिजल्ट ऑफ सम ट्रॉमा, इन्फेक्शन, कोई रेडियोथेरेपी से स्टिमुलेशन होगी, ट्यूमर्स हैं, ये सारी चीजें, और कुछ सिंड्रोम्स भी होते हैं। अब जो सिंड्रोम्स होते हैं खास तौर पे, उन सिंड्रोम्स में सिर्फ GnRH का ही मसला नहीं होता, फिर उन सिंड्रोम के साथ बाकी एंडोक्राइन डिसफंक्शन भी हो सकते हैं, यही वजह है कि और उसमें इसके अलावा इसमें बाकी एसोसिएटेड एनोमलीज भी हो सकती हैं, इवन इन द सेंट्रल सेंट्रल के भी डिफरेंट सिंड्रोम्स होते हैं। तो उसमें हमें फिर उसकी जो को एग्जिस्टेंट हम जो साइन सिम्टम, खास तौर पे इसमें ज्यादा जो रिलेटेड सिम्टम्स और साइंस होते हैं वो थायराइड से रिलेटेड होते हैं, या फिर उसमें डायबिटीज, हाइपर इंसुलिनेमिया, जिसमें जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाती हैं, ये सब चीजें हैं जो उसका उसके नतीजे में ये हो सकते हैं। सो फॉर अ सिंड्रोम वी हैव टू वी नीड टू हैव मल्टीपल सिम्टम्स एंड द मल्टीपल साइंस। एक खास अगर एक चीज है तो दैट मे बी जस्ट आप कह सकते हैं कि इडियोपैथिक, या उसमें
जो प्यूबर्टी के सारे जो इवेंट्स होते हैं, अब प्यूबर्टी के इवेंट में सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, यानी जिसको हम थिलार्की कहते हैं, फिर उसके बाद एड्रिनार्की है, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर है, फिर उसके बाद उसकी हाइट स्पर्ट्स आती है जब ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होती है, और लास्ट इवेंट अमूमन इसमें मिनार्की का होता है। ये वाला जो इवेंट है, इस तरह के जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो ज्यादातर 70-75% गर्ल्स में यही वाला पैटर्न होता है, लेकिन बाज दफा ये पैटर्न आगे पीछे भी हो सकता है। सो इट कैन बी एन आइसोलेटेड थिलार्की, इट कैन बी एन आइसोलेटेड प्यूबार्की, इट कैन बी एन आइसोलेटेड ठीक और बाज दफा ब्लीडिंग वैसे ही एक अलग से स्टार्ट हो सकती है, एक एज एन इंडिविजुअल सिम्टम। तो एक सिंड्रोम में फिट करने के लिए आपको और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, उसमें फिर एक आइसोलेटेड चीज नहीं होती। बट हेयर वी आर फेसिंग अ केस जिसमें सिर्फ एक वेजाइनल ब्लीडिंग का मसला है, या उसकी टेनर स्टेज वन के हिसाब से ब्रेस्ट बड्स डेवलप है, दैट इज ऑल। तो इस और इसमें हमें सिर्फ एक छोटी सी सिस्ट मिली ऑन अल्ट्रासाउंड, बाकी जो LH लेवल था वो 0.5 था, जो कि इस एज के हिसाब से इज नॉट दैट लो। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द LH टू बी मोर देन 5, क्योंकि वुमन इसकी जो अपर लिमिट है वो 4.5 तक समझी जाती है। अगर लेस देन 5 हो तो अभी वो प्यूबर्टी वाली स्टेज में, वो वाली डेवलपमेंट स्टेज अभी नहीं हुई होती अकॉर्डिंग टू द लैब टेस्ट। तो ये अभी प्यूबर्टी वाली स्टेज पे, ये जो 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल है ये अभी नहीं है, इसी वजह से उसके LH लेवल्स लो हैं। बट देर मे बी एन आइसोलेटेड पल्सिस ऑफ द GnRH। तो इसलिए जो है वो इसमें हमें अब अकॉर्डिंग टू दीज टेस्ट जो मैंने बताया है, इसमें हो सकता है उसकी आइसोलेटेड स्पाइक्स आई हों GnRH की, जिन्होंने ब्लीडिंग भी कर दी, जिन्होंने थोड़ी सी ब्रेस्ट बड्स की डेवलपमेंट भी कर दी, और जिसकी वजह से एक फॉलिकल भी डेवलप हो गया जो 2 x 3 cm इन साइज है। तो ये हम उससे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो इसको हम पेरिफेरल में लेबल नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट की कोई हिस्ट्री ऐसी सजेस्टिव नहीं है, और इसमें एस्ट्राडियोल लेवल भी कम है, तो ये पेरिफेरल कॉज नहीं है। अब हम आते हैं इसमें काउंसलिंग की तरफ। काउंसलिंग अब आप क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अभी तक है तो वो आप डिस्कस कर लें। मैम, इसकी बोन एज देखेंगे जो हम रिस्ट से चेक करते हैं? अगर तो मैंने कह दिया कि हाइट और वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिस्कस की है, अगर तो हाइट और वेट उसकी है उसके मुताबिक है, और हमें और कोई क्लिनिकल मार्कर्स नहीं मिले फॉर एनी अदर डिजीज, तो फिर बोन एज को हम स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें ब्रेस्ट डेवलप हुई होती सही तरह से, या सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स होते, या प्यूबिक एक्सिलरी हेयर डेवलप हुए होते, तो फिर इसमें बोन एज डेवलप करना, वो डिटरमिन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बोन की डेवलपमेंट है जो इसमें डायरेक्ट इफेक्ट होगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में, द बेबी फेल टू अटेन अ नॉर्मल हाइट, तो इसलिए जो है वो उसको वो करना जरूरी है। लेकिन इसको हमने इस सिंपलेस्ट इस केस को रखते हुए हमने इसमें और अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि जो हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे होते हैं वो बेसिकली केस टू केस वेरी करती हैं। जैसे हमें इसमें चूंकि हाइपर एंड्रोजेनिज्म के कोई साइन सिम्टम्स नहीं मिले, तो इस वजह से हमने इसमें स्किप कर दिया 17-हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को। लेकिन अगर हम इसको वैसे देखें जो हमारी लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसमें तो ये सारी चीजें आती हैं, बट वॉट इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन इन वॉट केस, दैट डिपेंड्स अपॉन द केस। उसमें हम पूरी किताब नहीं लिख देते, या पूरे जो एक लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हम सारी मरीज को नहीं लिख के देते जब तक उसकी इंडिकेशन ना हो उस पेशेंट तो मैडम, में। अगर लीडिंग क्वेश्चन हो, अगर मदर हाँ जी, हाँ जी, जी हाइट बताइए। वो उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेगी, तो हमें हाँ, उसे रीअश्योर ही करना है कि जी बिल्कुल ठीक रहेगी, या एग्जामिनर का यहाँ पे क्वेश्चन हो तो? एग्जामिनर का इसमें ये क्वेश्चन होगा कि अब तक आप जो इस नतीजे पे पहुंचे, यानी इस नतीजे पे आप पहुंच गए जो हमने अभी डिस्कस कर दिया है, कि इट इज नॉट पेरिफेरल, इट इज समवॉट रिलेटेड विद द सेंटर, ठीक है? अब इसमें जो सेंट्रल कॉजेस हैं, अब इसमें सेंट्रल कॉजेस में, बेटा ये म्यूट कर दीजिए जरा अपना माइक,
जो सेंट्रल कॉजेस में हम जो फोकस करते हैं ना, अमूमन हम एनाटॉमिकल कॉजेस पे या हमेशा हम पैथोलॉजी ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन पैथोलॉजी के अलावा इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या है? आपके न्यूट्रिशन है, बच्चा थोड़ा सा ओबीज है, न्यूट्रिशन का एक फैक्टर हो सकता है। और इसके अलावा उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसका कोई उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो हमें देखने की जरूरत है। बच्चे का स्लीप पैटर्न कैसा है, दिस डज अफेक्ट स्लीप पैटर्न कैसा है। और इसके अलावा जो है वो इसमें जो इवन सर्कैडियन रिदम होता है हमारा स्लीप का और अवेक रहने का जो पूरा पैटर्न है, दैट इज इंटीमेटली रिलेटेड विद द ग्रोथ एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा जो हमारे एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स होते हैं, एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स आर ऑल सॉर्ट ऑफ केमिकल्स, और वो केमिकल हर चीज में होते हैं। बच्चा कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल करता है, उस वो कौन कौन से फूड्स लेता है, कोई उसमें जंक फूड वाली चीज तो नहीं है, उसमें क्या केमिकल एक्सपोजर है, मतलब उसके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल, स्क्रीन का, या इसमें डे लाइट, इवन नाइट लाइट भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। मेलाटोनिन पिगमेंट जो है विच इज रिलेटेड विद आवर स्लीप पैटर्न, उसके डिस्टर्बेंस इन सारी चीजों से रिलेटेड होती है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप उसकी हिस्ट्री में भी पूछोगे, और फिर आपने काउंसलिंग में ये सारी चीजें मॉडिफाई करनी है, क्योंकि अमूमन हम इन चीजों को मिस कर देते हैं एंड वी फोकस ऑन द मेडिकल प्रॉब्लम्स ओनली। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो इस वजह से आपने उसको जो है वो जरूर ये सारी चीजें भी पूछनी है, और फिर ये सारी चीजें आपकी काउंसलिंग में आएंगी। तो चलें अब काउंसलिंग बताएं। अब तक हमने ये देख लिया कि इसका बस सेंट्रल कॉज है, लेकिन अभी ऑफ एंड ऑन एपिसोड पर दो चार ही हुए, अब इसमें क्या काउंसलिंग करोगे और क्या ट्रीटमेंट करोगे? मैडम, बिफोर मैनेजमेंट आई विल कंप्लीट माय मिसिंग इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर दैट आई विल काउंसिल द मदर इन अ सिंपैथेटिक वे अबाउट द डायग्नोसिस, दैट मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज ड्यू टू द आई विल रीअश्योर द मदर दैट दिस इज ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एंड देन आई विल ऑल्सो टेल द मदर अबाउट द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ अ गर्ल, अबाउट द हेल्थ एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग एंड प्रॉपर स्लीप। एंड मैडम, इसको ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे ना, जस्ट और बस रीअश्योर ही करेंगे, जस्ट रीअश्योर ही करेंगे, और कोई नॉन रीएश्योर करेंगे, ठीक है, लेकिन नीड ऑफ इसमें ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट क्या होगी? मैनेजमेंट इसमें क्या होगी? मैडम, इसमें जीएनआरएच एगोनिस्ट ऑफर करेंगे। अच्छा, वो तो कहेगी कि आपने मुझे कह के कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, तो आप ये इस तरह की ट्रीटमेंट आप क्यों दे रहे हैं? मतलब ये जैसे मैडम उसको फर्दर प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब जैसे कि हाइट अटेनमेंट वो प्रॉपर हो उसकी, और उसके बाद जो है वो मतलब वो हो ना और वो हमें कैसे पता चलेगा प्रिवेंट कि इसकी बाकी जो करें। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन है, हाइट अटेनमेंट और ये सब चीजें, ये सारी कुछ एज पर नॉर्मल रूटीन हो रही है, फिर वो हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्जर्वेशन से। सो आफ्टर ओके ओके काउंसलिंग द पेशेंट एंड आफ्टर रीअश्योरिंग बेसिकली द पेशेंट्स पेरेंट्स के इसमें अभी बजाहर हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं लगता, वी नीड टू ऑब्जर्व आफ्टर द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर काउंसलिंग अबाउट द अदर एनवायरमेंटल फैक्टर इफ देयर आर एनी, जरूरी नहीं कि हर एक में हो, तो उनको आप करेक्ट करें। और उसमें एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, राइट अवे आप फॉरन से स्टार्ट नहीं कर देते ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ जीएनआरएच एनालॉग्स, क्योंकि अगर ये राइट अवे आप ट्रीटमेंट शुरू, इसमें हमेशा ऑब्जर्वेशन एक पीरियड होता है, अनलेस द चाइल्ड कम्स टू यू विद अ फुल ब्लॉन सिंड्रोम, यानी फुल ब्लॉन सिंड्रोम ये कि इसमें ब्रेस्ट डेवलप्स हुई हैं या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं, और इसमें ओवेरियन सिस्ट जरा बड़े साइज की है, 5 सेंटीमीटर की सपोज सिंपल सिस्ट है, और इसके अलावा इसका जो है वो हाइट इज स्मॉल एंड शी इज हैविंग फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, सो वी हैव टू ऑब्जर्व हर अलोंग विद द काउंसलिंग ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर। मसी चाहे मान रख लो तो मैं
एंड इफ द प्रॉब्लम्स रिकर्स और इफ देयर इज प्रोग्रेशन ऑफ, बिकॉज दिस इज नॉट द नॉर्मल एज फॉर प्यूबर्टी, सो वी आर टेकिंग द एपिसोड्स ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग एज अ मार्कर ऑफ प्यूबर्टी, बट इट इज जस्ट जस्ट स्पोरेडिक इवेंट्स, इसमें कोई रेगुलर वो ना हो, लेकिन अगर ये रेगुलरली रिकर कर रहे हैं या उसकी हाइट में प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज्यादा एडवांस हो रही है, देयर यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट. ठीक है, तो वहां पे फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, एंड ट्रीटमेंट विल बी व्हाट? ये मेरा ख्याल है माइक किसी का म्यूट होने वाला भी रहता है, काफी शोर आ रहा है. एनीवे, अब इसकी ट्रीटमेंट अब क्या होगी डॉक्टर जैनब? Yes, madam. By keeping observation under a guard, and then we will offer the GNRH ठीक है, अब agonist. उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट आगे प्रोग्रेस कर रही है, उसको फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हो रहे हैं वजाइनल ब्लीडिंग के, एंड द पेरेंट्स आर वेरी मच कंसर्न दैट द थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर, सो व्हाट यू विल डू नाउ? Then we will offer her GNRH agonist. कैसे? मैडम वो हम उसको जो है वो नॉर्मल मतलब जैसे प्यूबर्टी उसकी अटेनमेंट होगी उस तक जो है ना वो देंगे, और उसको जो है वो साइड इफेक्ट और कॉस्ट ये सारी जो है वो भी काउंसल करेंगे मदर को. तो हम इसको क्या देते हैं, कौन सी वाली प्रेपरेशन देते हैं? मैडम इसमें तो शॉर्ट लॉन्ग एक्टिंग और वो इंट्रानेजल मतलब ये भी आती हैं, ये सब हम मदर से डिस्कस करेंगे. लॉन्ग टर्म भी होते हैं कुछ, शॉर्ट टर्म होते हैं, तो उसके लिए हम बताएंगे. मतलब जैसे कि मैडम वो होते हैं गौसरलेन होते हैं या जो है वो एस्टरलेन होते हैं, वो उनको भी देंगे. ठीक है मैडम, जो यूजुअल हम एडल्ट्स में भी देते हैं वो भी हम दे सकते हैं. ठीक है, जी. और इनको वही मंथली इंजेक्शन होता है, लेकिन इंट्रानेजल जो स्प्रेस होते हैं वो हमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली देने पड़ते हैं. अब ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, दो नॉट इन पाकिस्तान. ठीक है, तो वो अभी बेसिकली ट्रायल बेसिस पे ही चल रहे हैं. तो ये चीजें हैं जो हमने देने होती हैं, और टिल द नॉर्मल एज ऑफ दिस मेनार्की, मतलब इसमें कम से कम फिर 2-3 साल तो आप दे सकते हैं. एंड समटाइम्स अगर ये फर्ज किया है कि प्रॉब्लम इसका अरेस्ट हो जाता है, और इसमें जरूरी नहीं है कि हम दो, ये तो उस केस में है जहां पे बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अगर देयर इज अ स्लो ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, तो हम कुछ अर्सा दे के, यानी हमने बेसिकली हाइपोथैलमस को अभी नॉक डाउन करना है कि अभी अपना काम शुरू ना करे, तो वो वाली चीज जो है हम कुछ थेरेपी के बाद उसको स्टॉप करके ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. मतलब ओके इस पे जो है वो उस पे डिपेंड करेगा, ये भी केस टू केस ही हमने डिसीजन करना होता है. तो अब इसमें सपोज अब हम इसमें थोड़ा सा दूसरे सिनेरियोस को भी डिस्कस कर लेते हैं, कि जी एक मैडम. यही पेशेंट जो के जिसमें हम अभी बात कर रहे थे कि 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है और इसमें एस्ट्रोडियोल लेवल ज्यादा रेज्ड है, और इसमें FSH लेवल इज लेस देन 0.5, यानी इसमें वो 0.2 समझो आ गया है, तो उसमें हमारी ट्रीटमेंट क्या होगी? मैडम अगर ईस्ट्रोडल रेज है और 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है तो ये जो है वो ग्रैंडुलर सेल ट्यूमर है. देन वी विल काउंसिल द मदर अबाउट द डायग्नोसिस, एंड मैडम उसमें जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड होगी. बिल्कुल सिंपल सिस्टम. मतलब मैडम वो प्रॉब्लम करवा रही है ना, उसको ब्लीडिंग करवा रही है जो तो ग्रैनुलोसा सेल उसमें ट्यूमर्स हैं वो सिंपल सिस्ट की सूरत में होते हैं. अच्छा मैडम ये हो सकती है फॉलिकुलर क्या हो सकती है? सिस्ट भी हो सकती है. 5 सेंटीमीटर की मैंने बताई है ना, इन अ चाइल्ड. 5 सेंटीमीटर ज्यादा. तो क्या करेंगे? मैडम इसमें तो सर्जरी ऑफर करनी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा बड़ी भी है और फिर प्रॉब्लम करवा रही है मेरे हिसाब से. क्या हम कोई और सोर्स नहीं तलाश कर सकते ईस्ट्रोजन का? अच्छा ईस्ट्रोजन इज मार्केडली रेज्ड इन दिस केस, और FSH लेवल जो है वो 0.2 है, ये तो साबित हो गया कि ये अब पेरिफ्रल है. ठीक है, जी जी मैडम. तो पेरिफ्रल में जो बाकी वजह हैं वो उसको हमने उसको देखना है. ठीक है, तो इसमें एक 5 सेंटीमीटर की बिल्कुल सिंपल सिस्ट है, यूनिलोक्युलर, कोई उसमें मसला नहीं है, तो
तो ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर्स तो सिंपल नहीं होते, नॉट इवन ऑन अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस। तो उसमें क्या करोगे? और कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए और कोई अगर है तो बताते। एड्रिनल ट्यूमर्स मैडम, एड्रिनल एड्रिनल ट्यूमर्स, एड्रिनल ट्यूमर इसमें कैसे करेंगे? उसमें मैम जो है एंड्रोजेंस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं ना, और ईस्ट्रोजेंस एंड्रोजन जब ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो क्या करेगा? वो वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने एरोमेटाइजेशन, देगा या नहीं देगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होने देगा, और जो है प्यूबिक तो और एक्सिलरी ये हेयर्स सिनेरियो बेसिकली हम हाइपर एंड्रोजनिज्म वाला, व्हाट एवर इज द सोर्स, तो उसमें वो होता है जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट इतनी नहीं होती, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर फुल टेनर स्टेज 4 से बियॉन्ड ही होते हैं, और इसके अलावा इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग तो डेफिनेटली हो सकती है। इसमें अमूमन जब भी एंड्रोजन लेवल ज्यादा होते हैं तो वो ओवरी का काम शट डाउन कर देते हैं, उसमें तो फॉलिकल बन ही नहीं सकते, और यहाँ पे ईस्ट्रोजन ज्यादा है, दो एंड्रोजन भी ईस्ट्रोजन ज्यादा कर सकते हैं लेकिन नॉट वेरी मार्केडली रेज्ड, तो उसमें उसका ये सिनेरियो बनता नहीं है, क्योंकि जहां पे भी एंड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट कम हो जाती है एज अ जनरल रूल। ये तो बिल्कुल गायनी की ये भी सीढ़ी है ना, कि ईस्ट्रोजन ज्यादा होगी तो वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज्यादा करेगी, एंड्रोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा करेगी, यूट्रस का साइज बढ़ जाएगा, और इसके अलावा जब एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो एंड्रोजन जो है वो प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाएंगे। एक सिंपल बेसिक सा रूल है, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे फिर? मैडम, फिर इसमें तो हम कास को रूल आउट करने के लिए उसे जो है, एक तो ओबेसिटी होगी, लेकिन उसके अलावा एक्सोजीनियस कोई स्टीरॉइड्स या जो है ऐसी चीजें तो नहीं ले रही या अप्लाई कर रही है। हाँ, ठीक है, वो सारी चीजें हम उसमें करेंगे। अब ईस्ट्रोजन कहाँ से बन रही है, दैट नीड्स टू बी फाउंड आउट, वेदर एक्सोजिनस है या एंड्रोजिनस है, ठीक है ना? क्या उसका फोकस है, क्या ओवरी ही बना रही है जो कि थोड़ी सी स्टिमुलेटेड ओवरी है, क्या वो बना रही है, दैट मे बी अ पार्शियल सोर्स। लेकिन इसमें जो है वो बेसिकली अगर अल्ट्रासाउंड पे आ गया है ये बिल्कुल सिंपल ओवेरियन सिस्ट है, तो डू वेरीफाई इट, उसकी वेरिफिकेशन बड़ी जरूरी होती है, ठीक है? तो उसमें जो है वो E2 लेवल्स इज द वन थिंग, लेकिन उसमें अगर हम MRI करवा के देख लें तो दैट विल बी मोर स्पेसिफिक, या अगर अल्ट्रासाउंड उसका 3D या 4D करवा के देख लें तो दैट विल बी मोर स्पेसिफिक। लेकिन इसकी अब ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? ठीक है, रिमूव द कॉज वन थिंग, सेकेंड थिंग इज वॉट, हाउ वी विल रिवर्स दीज, या हाउ वी विल प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द प्यूबर्टी डेवेलपमेंट इन दिस चाइल्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, कैसे मैम, हम करेंगे? एंड्रोजन एरोमेटेज इनहिबिटर्स के अगर बॉडी में कोई सोर्स है जो ईस्ट्रोजन बना रही है तो वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एरोमेटेज इनहिबिटर जो हैं ये इस्ट्रोजेनिक भी होता है, एंड्रोजेनिक भी होता है, इसमें सारी चीजें ये होती हैं, बट स्पेसिफिक एक्शन इज दैट इट ब्लॉक्स E2 सिंथेसिस, एस्ट्रैडियोल सिंथेसिस जो है ये उसके रिसेप्टर्स पे काम करता है। तो अगर हम कॉन्टिन्यूसली उसको दे रहे होते हैं, ये बॉडी वेट के हिसाब से हमेशा इसकी डोज होती है, स्लो डोज से शुरू करते हैं और हाई डोज पे चले जाते हैं, बट फॉर हर एज उसको हमने करना होता है। तो हर वो चीज जो कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करती है उसको हम दे सकते हैं इसमें। एरोमेटेज इनहिबिटर्स आर वन थिंग, व्हाट आर द अदर चॉइसेस? E2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स मैडम। हाँ, मतलब ये तो है ना, एक एरोमेटेज इनहिबिटर्स का ये काम होता है, नो और हम मैडम, इसमें क्या जो देते हैं? जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते ठीक हैं, है, मसलन टेमोक्सीफेन टेमोक्सी, टेमोक्सीफेन ठीक है, टेमोक्सीफेन है, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर बेसिकली आ जाते हैं, और सिप्रोटेरॉन एसीटेट का भी इसमें रोल आ जाता है, ठीक है? इसमें डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि वो, बल्कि बाज दफा ये कैटाकोनाजोल का भी, जो बेसिकली तो जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीफंगल ड्रग है, लेकिन उसका भी ये पार्शियल उसमें ये होता है, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ डायूरेटिक बट इट इट एक्ट्स एज एन एंटी एंड्रोजन एज वेल।
या जहां पे हेयर ग्रोथ ज्यादा हुई होती है वहां पे भी ये स्पायरोनोलेक्टोन को दिया जाता है एज अ ट्रीटमेंट फॉर हिर्सुटिज्म। तो इसी तरह से जो है वो ये बेसिकली जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर या डीग्रेडर या ब्लॉकर, ये कोई भी इनमें से जो प्रेपरेशन होती है दैट विल वर्क टिल द सिम्टम्स एंड साइंस आर सेटल्ड। ठीक है, ये इसमें हमने एंड रिमूव द कॉज। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हमने इसको मॉनिटर भी करना होगा और इसको हमने फिर जो है वो सारी ट्रीटमेंट के साथ साथ हम चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था जो कि पेरिफेरल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी से रिलेटेड है। और इसमें कोई चीज अगर डिस्कस करने वाली हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। मैडम, ये जो 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है तो हाँ इसको जी, बुला के हाँ, ऑब्जर्वेशन पे देखते जाएंगे? इसको अंडर ऑब्जर्वेशन ये भी रखो और देखो प्रॉबेबली ये ईस्ट्रोजन जो जहां से भी बन रही है उसकी स्टिमुलेशन की वजह से भी हो सकती है और इट कैन बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दोनों का हो सकता है। ठीक है, अगर तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो तो ऑलवेज थिंक ऑफ ग्रेनुलोजा सिस्ट ऑन द फर्स्ट हैंड। ठीक है, उसमें ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर जो हैं वो एक पहली चीज उसमें आ जाएगी। लेकिन जर्म सेल ट्यूमर्स हर तरह के जो हैं वो डिसजर्मिनोमा भी इवन टेराटोमा भी ये सारे के सारे जो हैं ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की वजह बन सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इसमें जो अगर सॉलिड ट्यूमर्स हों या कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स हों तो इन सारों का फिर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसमें आ जाएगा। बस एज इट इज अ सिंपल सिस्ट, अगर सिंपल सिस्ट हो जाए दैट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग कि हम इसको सोर्स के तौर पे लें या इफेक्ट के तौर पे लें, तो उसको हम सिर्फ अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसमें फिर हमें एंटी ईस्ट्रोजेनिक प्रेपरेशन देनी पड़ती हैं ताकि मजीद ब्रेस्ट डेवलपमेंट ना हो, मजीद उसमें जो विजाइनल ब्लीडिंग वाले इश्यूज हैं वो ना हो। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। और इसमें तो मेरा ख्याल है और तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें कुछ सिंड्रोम्स जरूर आ जाते हैं पेरिफेरल में भी, लेकिन सिंड्रोम इज नॉट ओनली द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स या विजाइनल ब्लीडिंग, यानी इसमें प्रीकॉशियस प्यूबर्टी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं सिर्फ वही नहीं होती, दैट इज ऑलवेज कंबाइंड विद सम अदर प्रॉब्लम्स। जैसे इसमें जो है वो सबसे कॉमन जो है वो मैक्यूनियल ब्राइट सिंड्रोम होता है पेरिफेरल में, सेंट्रल के अपने कुछ सिम्टम्स हैं और सेंट्रल के जो सिंड्रोम्स होते हैं उसमें डिसमॉर्फिक फीचर्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है हर सिंड्रोम का ऑलमोस्ट, और उसमें बाकी जो साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं वो सब के सब उसमें जो है वो एडिड अप होते हैं अलोंग विद द प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। लेकिन ये जो मैक्यूनियल ब्राइट है इसमें डेफिनेटली, अब ये जो सिंड्रोम्स हैं ये क्यों होती हैं, ये अमूमन जो इसके गोनेडोट्रॉप सेल्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ये हाइपोथैलमस में और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में भी, ये हायर सेंटर से रिलेटेड जो पिट्यूटरी है वो पेरिफेरल में आ जाएगा। तो इसमें इस सिंड्रोम में ये सिंड्रोम जो मैक्यूनियल ब्राइट है इसमें जो जेनेटिक मेलफॉर्मेशन एक जीन की है के सारे ही एंडोक्राइन फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, तो उसमें सिर्फ गोनेडोट्रॉप्स का ही मसला नहीं होता या पिट्यूटरी का ही मसला नहीं होता बल्कि इसमें थायराइड का मसला, कुशिंग सिंड्रोम, ये सब चीजें हो सकती हैं, इंसुलिन, हाइपर इंसुलिन एनीमिया, डायबिटीज, ये सब की सब चीजें इसमें एज अ पार्ट ऑफ सिंड्रोम होती हैं। और उसके साथ साथ जो एक उसका टिपिकल मार्कर होता है जो जरूरी होता है इस सिंड्रोम में होना वो है पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन जो पैचेस की सूरत में होती है और कहीं पे भी हो सकती है, और इसके अलावा बोन की इन्वॉल्वमेंट भी, जिसको हम फिर मुख्तलिफ टेस्टों के साथ देख सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। और उसमें बेसिकली ट्रीटमेंट तो हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की ही देंगे लेकिन उसके सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा समझ लो कि मोज़ेक पैटर्न होता है, यानी मोज़ेक पैटर्न का मतलब यह है कि किसी में डिजीज ज्यादा स्वेयर होगी किसी में कम स्वेयर होगी, तो अकॉर्डिंग टू द स्वेरिटी ऑफ द सिम्टम्स या उसकी जो डिजीज की जो स्टेज है उसके हिसाब से हमने फिर ये देखना होता है कि इसमें किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। मे बी उसमें बोन इन्वॉल्वमेंट ना हो, सिर्फ पैचेस, स्किन पैचेस हों और उसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का कोई एक एलिमेंट हो जाए, जैसे सिर्फ विजाइनल ब्लीडिंग है और कुछ नहीं है, देन ऑब्जर्व, उसमें भी ऑब्जर्व। अगर तो फुल ब्लॉन सिंड्रोम नहीं है तो उसमें ऑब्जर्व, अगर उसकी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आपने ये देखना होता है रेट ऑफ प्रोग्रेशन टू प्यूबर्टी, अगर उसकी प्यूबर्टी प्रोग्रेस हो रही है स्टार्ट योर ट्रीटमेंट,
अगर नहीं हो रही तो हो सकता है इसमें वो सिंड्रोम इस अपनी बहुत माइल्ड फॉर्म में हो, विच समटाइम्स कैन करेक्ट ऑन इट सेल्फ। तो उस सूरत में फिर हम ये बाज दफा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है, ये सब चीजें हैं जो कि उसमें कर सकती हैं, उसकी एग्रीवेशन कर सकती हैं। तो उसको फिर उसकी डिजीज सेवेरिटी के हिसाब से हमेशा ट्रीटमेंट दें, बस ऐसे नहीं कि पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आ गया फौरन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बस ये चीज हमने थोड़ा सा टेक्निकली जरा डिटरमिन करनी होती है, इसको असेस करना। ठीक है, और इसमें जो है वो बाद दफा हाइपर और हाइपोथायरेडिज्म वाले भी इसमें होते हैं, इवन पेरिफेरल में भी जो थोड़े से रेयर सिंड्रोम्स हैं उनमें अमूमन हाइपोथायरेडिज्म का भी एक होता है। और जब और दूसरी चीज ये कि ये जो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी की एक वजह फुल ब्लॉन हाइपोथायरेडिज्म भी हो सकता है, जिसमें बच्चा ओबीज भी हो जाता है, पफी फेस होता है और उसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा हो जाता है। तो उसको उसके साथ भी हमें ये वजह कि हम हर एक में थायराइड फंक्शन जरूर करवाते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी वालों में भी। ठीक है, और दूसरे ये कि ये जो पेरिफ्रल हैं ये इसमें इसमें हमें विटामिन डी डिसऑर्डर्स भी जो हैं वो भी इसमें ये एक वजह बन सकते हैं। ठीक है, तो और कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको स्टॉप करते हैं। मैडम एक क्वेश्चन ये बताएं कि अगर मदर डिमांड करती है कि बेबी को ब्लीडिंग के लिए स्टॉप करने के लिए आप कुछ दें, तो हाँ, हम कुछ देंगे या नहीं? अगर तो देखो सिर्फ स्पॉटिंग ही है तो वो तो और कभी कभार होती है तो वो उसके लिए तो ट्रीटमेंट देने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उसको रीअश्योर कर दो। लेकिन अगर शी इज परसिस्टेंट अबाउट इट, अब इसमें होता यह है कि हम इसमें अगर तो बहुत हैवी एपिसोड हो एंड और पेशेंट बहुत ज्यादा कंसर्न है तो उसमें एक आध शॉट लगाने के का नुकसान कोई नहीं है, बट डोंट गिव इट ऑन द रेगुलर बेसिस। यानी वो जो एक स्टिमुलस आया हाइपोथैलेमस से आप उसको नॉक डाउन कर रहे हो बाय गिविंग वन इंजेक्शन ऑफ GnRH एनालॉग, लेकिन उसमें मुस्तकिल उसको हर मंथली बेसिस पे फिर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके डेफिनेटली अपने प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। बोन डेवलपमेंट उसी इफेक्ट होती है, उसमें जो सारे फ्लशीज हॉट फ्लशीज है सारा बच्चा ये सब चीजों की कंप्लेन कर सकता है। तो इसमें सिर्फ उस वक्त के लिए उस एपिसोड के लिए ये आप एक दे सकते, बट डोंट गिव हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव या वो सारी चीजें, उसकी जरूरत नहीं है। वो मजीद फिर आगे जाके वो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग कर सकते। ठीक है, और वो उसकी कॉज को भी बेसिकली मैनेज नहीं कर रहा होता। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ जी, मैडम बस एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो हाँ अगर हमारे पास आ जाए ना डायग्नोसिस ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर, तो ये जो आपने वो सिस्ट वाली ट्रीटमेंट बताई थी वही वाली फिर उसमें हम लोग फॉलो करेंगे मैडम? हाँ मतलब उसमें तो देखो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है, दैट इज अ कॉज, कॉज को तो रिमूव करना जी ही होता है, कॉज को जी रिमूव जी करना होता है। यानी ठीक फिर है आपने ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर डायग्नोस हो गया तो फिर आप उसको निकालें, सर्जरी करें। सही। और मैडम उसके साथ फिर मैडम वो जो प्री ऑप ग्रेनुला सेल ट्यूमर जैसे इनहेबिन होता है हमारे पास जिससे हमें पता चले? इन्हीं मेरा ख्याल है होता है, कुछ जगहों पे होता है लेकिन हर जगह पे ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन मतलब डायग्नोस्ट मतलब मुझे इनहिबिन नहीं इज लगता वन मार्कर ऑफ ओवेरियन हाइपर एक्टिविटी जो कि ज़ारे तो ग्रैनुलोसा मैं सेल्स में होती है। फिर अगर बगैर इनहेबिन के हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सिस्ट है आप स्टेरॉयड मल्टीलोक्यूलर? लेवल के हिसाब से करोगे, और उसकी जो टिपिकल शेप है, जो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स होती हैं वो भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट की सूरत में होती है और उनमें सॉलिड स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। ठीक है, वो तो उसकी पेरेंट्स से भी पता चल जाएगा, और E2 लेवल अगर ज्यादा है जो जो के और इसमें जाहिर है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एक आउटकम होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट से भी, फिर इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग से भी, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर से भी, इन सब चीजों से पता चल जाएगा। सो दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड, जब आप कॉज रिमूव करोगे तो चीजें खुद ही सेटल हो जाएंगी। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलें जी फिर हम इसको स्टॉप करते हैं अभी। ओके, थैंक थैंक यू मैडम। यू मैडम।